पंजाब विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पास किया गया पंजाब कृषि ऋण निपटान विधेयक 2016। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब कृषि ऋण निपटान विधेयक की तारीफ की है। उनका कहना है कि बिल के लागू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बिल का समर्थन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बिल से किसानों को राहत मिलेगी और आत्महत्याएं रुकेंगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने विधानसभा में पास बिल से असंतुष्टि जताई है। उनका मानना है कि बिल से किसानों का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें किसानों को कर्ज के चुंगल से बचाने का कोई प्रावधान नहीं है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी बिल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महज घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने गुरु ग्रंथ की बेअदबी के खिलाफ पास बिल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बेअदबी के दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होने से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करे। कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने बेअदबी बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी कांग्रेस के बायकॉट से साफ है कि वो धार्मिक ग्रंथ का कितना सम्मान करता है। उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बाकी धर्म ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ भी इस बिल में प्रावधान होना चाहिए था। पंजाब कांग्रेस नेता जगमीत बराड़ ने मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल का गुणगान किया है। प्रकाश सिंह बादल को उन्होंने दूरदर्शी नेता बताया है। चुनावी दंगल में अपनी ही पार्टी कांग्रेस को तीसरे नंबर पर बताया। जगमीत बराड़ के बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जगमीत बराड़ कभी कुछ तो कभी कुछ बयान देते रहते हैं। किसानों के आत्महत्या के मुद्दे पर पंजाब और केंद्र सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का नोटिस। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को। केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई एक टीम सतलुज यमुना लिंक नहर का जायजा लेने पटियाला पहुंची है। टीम को पटियाला के राजपुरा स्थित गांव में नहर को पहुंचाई गई क्षति का ब्यौरा लेना था, लेकिन इस टीम का किसानों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब से हरियाणा को पानी नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में जानकारी दी है। इनेलो से स्थगन प्रस्ताव पर हरियाणा विधानसभा में आंदोलन पर चर्चा हुई है। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जाट आंदोलन के दौरान सरकार पूरी तरह से सक्रिय थी। उन्होंने लापरवाही के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने जाट आंदोलन को साजिश करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई कांग्रेसी नेताओं के नाम इस साजिश में सामने आ रहे हैं। सीएम ने शक जताया है कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के पीछे कोई और नेता भी हो सकता है। कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने जाट आंदोलन में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सत्ता छीनने की बौखलाहट में ये साजिश रची गई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नहीं आने देंगे। उत्तराखंड जैसी नौबत बाकी कांग्रेसियों की तुलना ब्लैकशिप से करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में नहीं है उत्तराखंड जैसी काली भेड़। धर्मशाला नगर निगम चुनावों पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान, पार्टी सिंबल पर नहीं करवाए जाएंगे चुनाव। शिमला नगर निगम के चुनावों के पार्टी सिंबल पर करवाए जाने पर होगा विचार। सुजानपुर में राष्ट्रीय स्तर के होली मेले का आगाज। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। सीएम को रथ पर बैठाकर निकाली गई शोभा यात्रा। शिमला के आईजीएमसी और कमला नेहरू अस्पतालों के परिसर का होगा विस्तार। अस्पतालों में बेड और पार्किंग की समस्या से परेशान लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला।
गर्मी से पहले ही शिमला में पानी के लिए हाहाकार। शिमला के आधे हिस्से में गहराया पानी संकट। निगम ने लगाया आईपीएच विभाग पर कम वाटर सप्लाई करने का आरोप। आत्मघाती धमाकों से दहला बेल्जियम का ब्रुसेल्स एयरपोर्ट। 3 धमाकों में 17 की मौत। मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाका। 4 दिन पहले यहीं से पकड़ा गया था पेरिस धमाके का मास्टरमाइंड अब्देसलाम। जम्मू कश्मीर से होली के दिन आ सकती है गुड न्यूज। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को सकारात्मक बताया है। 24 मार्च को पीडीपी की मीटिंग। श्रीआनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला की शुरुआत। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब। पूरा दिन चलेगा धार्मिक समागम। देश पर चढ़ा होली का खुमार। उड़ने लगे अबीर गुलाल। कहीं दिव्यांगों ने मनाई होली तो कहीं संतों ने खेली होली। विदेशियों पर भी होली का खुमार।